नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा से इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर आ रही है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ टूट सी दिखाई दे। दोस्तों, दरअसल खबर कुछ ऐसी है, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें कांग्रेस की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। अभी एटलीस्ट मीडिया में तो यही चल रहा है कि कांग्रेस काफ़ी मजबूत है हरियाणा में, और वो हो सकता है कि सरकार बना ले, और भारतीय जनता पार्टी की हो सकता है कि सरकार चली जाए, वो हार जाए, ऐसा एटलीस्ट मीडिया में तो चल रहा है। अब उस होता क्या है ये तो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो पता लग जाएगा। अभी क्या है दोस्तों, लेकिन कुछ नेताओं के बीच में अभी जो चल रहा है वो कांग्रेस के लिए सही नहीं है। ऊपर से आज जो खबर आई है कि मनोहर लाल खट्टर ने कुछ ऑफर दे दिया है कांग्रेस के एक बड़ी नेता के लिए, वो काफ़ी चिंता की बात है कांग्रेस के लिए। आइए दोस्तों समझते हैं दरअसल कि खबर ये है क्या। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी मजबूत सी तो दिख रही है हरियाणा में, लेकिन उसके साथ समस्या भी यही है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कई हैं। दरअसल वो अपने आप को मान के चल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा में, वो अपनी दावेदारी आगे कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं रणदीप सुरजेवाला भी अपना चांस देख रहे हैं। हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा वो अपने आप को आगे करें, क्योंकि उनके अंदर भी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की। उसके बाद एक दलित नेता हैं कुमारी शैलजा जी चाहती हैं कि उनकी ताजपोशी होनी चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल वहाँ पे ये आखिर चल क्यों रहा है। मुख्यमंत्री बनना कोई बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर दलित का लेकर कुछ ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है हरियाणा में इस वक्त, और कुमारी शैलजा दलित समाज से आती हैं, तो उनका ये कहना है कांग्रेस शैलजा जी का कि हमारी आवाज़ उठने दीजिए, आखिर दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी में अगर मैं हूँ तो मुझे मैनिफेस्टो जब लॉन्च हुआ था तो उस वक्त मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त नहीं थी। और कुमारी शैलजा इसलिए भी नाराज़ बताई जा रही हैं कि वो ये चाहती थी कि उनके हिसाब से टिकट बंटवारे हों कम से कम 30 से 35, लेकिन उनके सिर्फ 4 लोगों को, उनके पसंद के लोगों को टिकट मिला है। अब दोस्तों है क्या कि जब सपोज कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आ जाती है तो जिसके खेमे के विधायक ज़्यादा होंगे उसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत होगी। अब कुमारी शैलजा के जब 4 ही लोगों को टिकट मिला है, और सपोज़ वो जीत भी जाते हैं तो आवाज़ उठाने वाले तो 4 ही लोग होंगे। तो इस तरह से ये कुमारी शैलजा के लिए चिंता की बात है, और कुमारी शैलजा जी इसलिए नाराज़ बताई जा रही हैं, और वो पिछले कुछ समय से पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रही हैं। अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि वो प्रचार के लिए आती हैं या नहीं आती हैं। अब जब अपना घर कमज़ोर होता है तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, यही चीज़ बिल्कुल बीजेपी अब कर रही है। बीजेपी ने तुरंत, बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, वो आज एक कुमारी शैलजा के लिए बोलते हैं कि बीजेपी में इनका स्वागत है, ये आ सकती हैं। और इनसे सवाल जब पूछे गए तो इन्होंने कहा ये रणनीति का विषय है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है। अब दोस्तों ये जो रणनीति का विषय है जो डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, इसको अगर डिकोड करने की बात करी जाए, डिकोड करना हो तो दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि कुमारी शैलजा फ़िलहाल तो अभी भाजपा में नहीं आएंगी, जैसा कि लगता है। कोई भी नेता हो ऐसे बीच चलते चुनाव में नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उनको मुख्यमंत्री तो बना नहीं देगी। वो कांग्रेस में रह के कुछ कर भी सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी के भी हालत होती कैसी है। सपोज़ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उस वक्त अगर मुख्यमंत्री बनना हो तो अगर कुमारी शैलजा के पास 4-5 विधायक हों, 7 विधायक हों इनके खेमे के, तो ये उस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ बारगेनिंग कर सकती हैं कि आप मुझे कुछ बड़ी ऑफर दो, कुछ बड़ा हमारे लिए करो, अदरवाइज़ हम इन 4-5 लोगों को लेकर के हम जा रहे हैं।
दूसरे पार्टी की तरफ, ये दबाव की राजनीति उस वक्त ये बना सकती हैं। अभी फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं आएंगी, ऐसा कोई भी नेता हो इस वक्त ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसकी इमेज तो ख़राब होगी ही होगी और उसको कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। फ़ायदा तभी होगा जब कुछ विधायक साथ में होंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।